दोस्तों, हमारे किसान भाइयों को खेती करने के लिए यानी अनाज, फल, सब्जी आदि उगाने के लिए न जाने कितने प्रोसेस करने पड़ते हैं, जिनमें उनका समय और पैसा काफी ज्यादा बर्बाद होता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी एडवांस एग्रीकल्चर मशीनों के बारे में बताएंगे जो खेती के कामों को बड़ी आसानी से और जल्दी जल्दी खत्म कर देती है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दे। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर कर ले। यह है गुरेसी सुपर G1548। यह एक कमाल का टोमेटो हार्वेस्टिंग मशीन है जिसे गुरेसी एग्रो कंपनी ने बनाया है। इस मशीन का इस्तेमाल खेत में ही टमाटर को उसके पौधे से अलग करने के लिए किया जाता है। करीब 150 सेंटीमीटर चौड़ी इस मशीन के साथ एक कैरी ट्रेलर भी चलता है जिसमें निकाले गए टमाटरों को स्टोर किया जाता है। हाइड्रोलिक पावर पर चलने वाली ये मशीन खेत में ही टमाटर के पौधों को जड़ सहित उखाड़ कर पीछे लगे मशीन में भेजती है, जहां पे पौधे से टमाटर को अलग किया जाता है और अलग किए गए टमाटरों को एक पैनल के द्वारा ट्रेलर में भेज दिया जाता है। यह मशीन एक घंटे में तकरीबन 80 टन टमाटरों को उनके पौधों से अलग करने का काम कर सकती है। बॉस एयर सीडर। इस मशीन का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया के किसान सीडिंग यानी कि अपने खेतों में बीज को बोने के लिए करते हैं। इस मशीन में एक छोटा सा सीड से स्टोर बॉक्स होता है जिसमें बीज को स्टोर किया जाता है और इसके बाद इस मशीन की मदद से पूरे खेत में कुछ इस प्रकार से बीज को बोया जाता है। हाइड्रोलिक सिस्टम से लेस इस मशीन में 9 नुकीले ऑगर लगे होते हैं जो बीज को एक लाइन में ही मिट्टी के अंदर बोने का काम करते हैं। मशीन पर फिटेड हाइड्रोलिक ब्लेड्स को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फोल्डेबल बनाया गया है ताकि वह रोड पे भी आसानी से ट्रेवल कर पाए। राइस रीपर बाइंडर मशीन। दोस्तों, बहुत ही कम बजट में आने वाली है कमाल का धान काटने वाली इलेक्ट्रिक मशीन है जिसको हर किसान खरीद सकता है। यह मशीन किसानों का पैसा तो बचाती है, साथ ही साथ उनका काफी ज्यादा समय भी बचाता है और इसका यूज करना भी काफी ज्यादा सिंपल होता है। बस आपको केवल इसके हैंडल को पकड़ना होता है और इसके बाद यह खुद ब खुद पौधे को काट करके उसका बंडल बना करके अलग कर देता है। यह है कैरोट हार्वेस्टर एंड सेपरेटर। हमारे लिस्ट का यह सबसे अनोखा मशीन होने वाला है। यदि हमें बड़े पैमाने पर मूली, गाजर आदि जैसी फसलों की कटाई करनी हो तो उसके लिए हमें काफी मात्रा में मजदूरों की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर वहीं पर इस कैरोट हार्वेस्टर एंड सेपरेटर मशीन को काम में लगा दिया जाए तो यह सिर्फ चंद मिनटों में ही पूरे खेत को साफ कर सकती है। इसके फ्रंट में लगे रोलर गाजर को जड़ सहित मिट्टी से निकाल करके पीछे की ओर फिल्टरिंग यूनिट में भेजती है, जहां पे गाजर को जड़ और पत्तियों से अलग कर उसे एक पैनल के द्वारा बीच में बने स्टोर बॉक्स में भेज दिया जाता है। नंबर 5 पे है कली फ्लावर के लिए स्वीर फ्लोरेटिंग मशीन। दोस्तों, यह एक अपर लेवल का एग्रीकल्चर मशीन है जिससे बंदा गोभी जैसे सब्जियों की हार्वेस्टिंग की जाती है। इस मशीन की मदद से बंद गोभी को खेतों में ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। इस मशीन में एक बेल्ट लगी होती है जिसमें मजदूर खेतों से कलीफ्लावर को पौधे से तोड़ करके रखते जाते हैं, फिर ये बेल्ट इन सब्जियों को कटिंग यूनिट तक ले जाती है। इसके बाद कटिंग यूनिट में लगे चाकू बड़े ही आसानी से इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है और इसके बाद कटे हुए इस कलीफ्लावर को साइज के हिसाब से बॉक्स में स्टोर कर दिया जाता है। नंबर 6 पर है ऑक्सबो 4334। यह दुनिया का सबसे बड़ा सेल्फ प्रोपेल्ड मर्जर है जो कि बड़े बड़े घास के मैदानों को क्लीन करने का काम करती है। जब काफी भारी मात्रा में भूमि को क्लीन करना होता है तब इस विशाल मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आगे की तरफ 3 बड़ी बड़ी प्लेट्स लगी होती हैं, जिसकी चौड़ाई 39 फीट होती है। ये प्लेट्स महज कुछ सेकेंडों में ही कई एकड़ प्लॉटों को साफ कर सकती है। यह मशीन घास को क्रश करके उसे एक किनारे पे जमा कर देती है जिससे उस घास को बाद में हटाना भी काफी ज्यादा आसान होता है। ये है राइस हार्वेस्टिंग। ये मशीन बेसिकली छोटे किसानों को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। जिनके खेत काफी छोटे होते हैं और जो किसान बड़े मशीन एफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए यह मशीन काफी ज्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। यह एक इलेक्ट्रिक मशीन होगा जिसे बैटरी की मदद से चलाया जाता है। इसके अंदर एक मोटर लगी होती है जो अपने पावर को इसमें लगे वायर की मदद से इसके हैंडल तक ट्रांसफॉर्म करती है और इसमें लगा कटर पौधों को काटने का काम करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली एक और नई वीडियो में। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा मशीन सबसे ज्यादा पसंद आई है, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।